मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के अंदर प्रॉपर्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक रियलाइज होगा कि हमारे पास कैसे कैसे डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव लॉ का ही एडवांटेज है। मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि वो ये कहता है, मान लो आपके पास एक बैग है, इसमें क्या है, दो व्हाइट और चार ब्लैक बॉल्स। एक आपके पास दूसरा बैग है जिसमें क्या है, छह व्हाइट और चार ब्लैक बॉल्स। आपको क्या करना है, इन दोनों बैग्स में से एक बैग को सिलेक्ट करना है, और फिर सिलेक्टेड बैग में से एक बॉल को बाहर निकालना है और आपको ये बताना है कि वो बॉल मेरे पास व्हाइट है, वो बॉल मेरे पास क्या है, व्हाइट। अब एक बात बताओ, पहला चांस तो क्या बनता है, दोनों में से कोई भी एक बैग आ सकता है मेरे पास। इसके बैग को सिलेक्ट करने का जो इवेंट है, मैंने उसको E1 और E2 मान लिया। अभी देखो, पहला काम तो मैंने बैग को सिलेक्ट करा, तो दो बैग होंगे, दो में से एक आएगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब पहले वाला बैग को अगर मैंने सिलेक्ट किया तो जो बोल्स निकालनी है उसको मैंने ए का केस मान लिया, भाई उसका इवेंट का नाम ए है। तो पहले वाले बैग में से अगर मैं व्हाइट बोल निकालूंगा तो चांस क्या बनेंगे, 2/6। दूसरे वाले बैग में से अगर मैं व्हाइट बॉल निकालूंगा तो चांस क्या बनेंगे, 6/10। लेकिन ये कब हुआ, जब एक की यानी कि बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब E1 पहले ही हो चुका है। और ये कब हुआ, जब ए यानी कि जब E2 पहले ही हो चुका है। मुझे तो क्या निकालना है, बॉल यानी कि ए। मल्टीप्लीकेटिव लॉ यही कहता था ना, अगर आपको ये निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय में E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय में E2। यही दो केसेस थे। E1 क्या है, 1/2, इंटू में यहां पर क्या आएगा, 2/6। E2 क्या है, 1/2, और E2 क्या है, 6/10। समझ आया, तो सॉल्व करोगे तो ये 1/6 6/10 एलसीएम लिया तो 30 आएगा, यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 9, यानी कि 14/30। सॉल्व किया तो आ गया आंसर 7/15। क्लियर है ये, अच्छा था, आसान था, क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कुछ खास बड़ी बात ही नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास इस टॉपिक पे बेस्ड। जैसे वो कहते हैं एक बैग है जिसके अंदर 6 रेड और 8 ब्लैक बॉल्स है। एक दूसरा बैग है जिसके अंदर आपके पास क्या हो गई, 8 रेड बॉल्स हो गई और 6 ब्लैक बॉल्स हो गई। आपने क्या करा, आप सिनेरियो देखिएगा, पहला एक बॉल यहां से निकाली, कहां से निकाली आपने, एक बॉल पहले बैग से। अब एक बॉल पहले बैग से निकालोगे, एक बॉल, तो दो केस बनते हैं। हो सकता है वो आपके पास रेड आ जाए, हो सकता है वो आपके पास ब्लैक आ जाए। रेड आएगी तो चांस बनते हैं 6/14, ब्लैक आएगी तो चांस बनते हैं 8/14। ये तो सबको क्लियर है। फिर आगे क्या कहता है, उसके कलर को देखे बिना, मान लो एक बॉल आई, उसको देखा, उसको उठा के मैंने दूसरे वाले बैग में रख दिया, उसको मैंने कहां रख दिया, दूसरे वाले बैग में रख दिया। अब दूसरे वाले बैग से एक बॉल मैंने बाहर निकालनी है। अब मुझे ये बताना है, जो बाहर मैंने बॉल निकाली दूसरे वाले बैग से, वो रेड कलर की होगी, वो किसकी होगी, रेड कलर की। अब एक बात बताओ, रेड कलर की, पहले यहां पे 8 रेड थी, यहां से भी अब रेड वाली आई है, यहां से भी अब क्या आई है, रेड वाली आई है, तो इसका मतलब एक रेड वाली बॉल मेरे पास इंक्रीज हो गई, तो टोटल रेड बॉल कितनी हो गई, 9, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 15। यहां से रेड बॉल तो नहीं आई, लेकिन ब्लैक वाली मेरे पास एक इंक्रीज हो गई। मुझे तो रेड निकालनी कि पहले से ब्लैक आई हुई है, निकालनी रेड है, रेड तो 8 ही रहेंगी, टोटल बॉल्स कितनी हो गई है, 15, 8/15। यहां तो मैं रेड ही निकाल रहा हूं, तो चलो अभी देखो, तो चांस क्या बनेगी, 6/14 इंटू में 9/15 प्लस में 8/14 इंटू में 8/15। क्लियर है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 210, ये 54 और ये 64, ऐड किया तो 118 बाय में 210। क्लियर है, अच्छे से। चलिए
अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहता है एक बैग है आपके पास जिसके अंदर 10 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। एक दूसरा बैग है आपके पास जिसमें 3 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। समझ गए? 2 बॉल्स आपने निकाली पहले वाले बैग से, मैं यहां लिख देता हूं 2 बॉल्स फ्रॉम द फर्स्ट बैग। उसके बाद आपने क्या कर दिया, वो दोनों की दोनों बॉल्स को यहां रख दिया। अब पहली बात तो यहां तक का सीन बनाते हैं। जब मैं 2 बॉल्स बनाऊंगा तो केस बच्चों कहेंगे सर 2 या तो ब्लैक या व्हाइट। नहीं बच्चों, एक केस तो आपके पास बनता है कि दोनों की दोनों व्हाइट आ जाए, एक केस आपके पास बनता है दोनों की दोनों ब्लैक आ जाए, और एक केस आप ये भी तो बना सकते हो कि एक व्हाइट और एक ब्लैक आ जाए। बन सकता है दोनों व्हाइट। अब दोनों एक साथ निकालिए तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। 10C2 डिवाइडेड बाय मी टोटल कितना है 13C2। अब दोनों ब्लैक आएंगी तो क्या होगा 3C2 डिवाइडेड बाय मी 13C2। अब एक ब्लैक और एक व्हाइट, व्हाइट आता है तो 10C1 मल्टीप्लाई में 3C1 क्योंकि ब्लैक आया और बाय मी क्या आएगा 13C2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ कॉम्बिनेशन। देखो 10C2 को सोल्व कैसे करते हैं। 10 फैक्टोरियल बाय मी 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, यानी कि 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू में 1 और ये 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल 5 तो 45 आ गया। बाय में क्या था 13C2, 13 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 और 13 माइनस 2 कितना होता है 11 फैक्टोरियल। 13 को लिख सकता हूँ इस तरह से, 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पे 6 आ गया। आपके पास आंसर कितना आ गया 45 बाय में 13 इंटू में 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मेरे पास कितना आ सकता है 15, 15 बाय में 26 बच गया आपके पास, 15 बाय में 26 आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है सभी को अच्छे से? कॉम्बिनेशन तो मुझे उम्मीद करता हूँ सबको आता भी है अच्छे से। अच्छा, अब आपके पास जो आता है 3C2, 3C2 3 फैक्टोरियल बाय मी 2 फैक्टोरियल और 3 बाय प्लस 2 1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 3। 13C2 आप लोगों ने देखा ही था कितना आएगा मेरे पास, दोबारा से करके दिखाऊं तो 13 इंटू 12 इंटू में 11 फैक्टोरियल, ये 2 और यहाँ पे क्या आएगा 11 तो 13 इंटू 6 आएगा, तो 3 बाय में 13 इंटू 6 करते हो तो 1 बाय में 26 आ गया। समझ रहे हैं? यानी कि आपको ये तो चीज क्लियर हो गई, नीचे तो आपके पास 13 इंटू 6 ही आएगा जो 13C2 है। आपको ये पता है बच्चों 10C1 10 होता है, 3C1 3 होता है, 13C2 आपने देखा 13 इंटू में 6 तो ये 5 बाय 13 आ गया आपके पास। यहां तक क्लियर है? सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं आपको कॉम्बिनेशन की और मैंने कुछ खास नहीं किया। अब उसने क्या करा, यहां से 2 बॉल्स को बाहर निकाला, 2 बॉल्स को बाहर निकाला। अब एक बात को सुनिएगा, अभी जो 2 बॉल्स आपने बाहर निकाली वो दोनों की दोनों उसने कहां रख दी, दोनों की दोनों को इसमें डाल दिया। पहला केस अगर मैं डेवलप करता हूं बच्चों, पहला केस अगर मैं डेवलप करता हूं तो मेरी बात सुनना। अब उसने मेरे को कहा क्या है, वहां से लास्ट से जो आपको बॉल निकालनी है, ठीक है, अब आपने 2 बॉल्स को बाहर निकाला और एक दूसरे वाले बैग में रख दिया। अब एक ही बॉल बाहर निकालनी है और वो बताओ कि व्हाइट होगी, एक ही बॉल बाहर निकालनी है और क्या होगी, वो व्हाइट होगी। अब एक बात बताओ, जब दोनों व्हाइट डाली होंगी तो 2 व्हाइट बॉल बढ़ गई होंगी, तो यानी कि मेरे पास जो यहाँ केस बनेगा वो क्या आएगा, 5 व्हाइट हो गई और टोटल कितनी होगी 10, यानी कि 1/2। अब मैं यहां से करूंगा तो मेरे पास क्या हो गई होगी, 2 ब्लैक बॉल्स इंक्रीज हो गई होंगी, लेकिन व्हाइट तो मेरे पास 3 ही रहेंगे क्योंकि मुझे तो व्हाइट निकालनी है, टोटल बॉल्स कितनी होगी 10। अब यहां पर देखोगे तो एक तो मेरे पास इंक्रीज हो गई होगी ब्लैक और एक इंक्रीज हो गई होगी व्हाइट, तो व्हाइट 4 होगी क्योंकि मुझे 4 व्हाइट निकालनी थी और बाय में 10, यह आपके पास आंसर आ गया। अब क्या करते हैं फाइनल आंसर निकालने के लिए, 15 20 by 26 को 1/2 से, 1/26 को 3/10 से,
प्लस में 5/13 को 4/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, उम्मीद करता हूं अच्छे से। या आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, या आपके पास क्वेश्चन आ गए हमारे पास कैसे करने हैं, यानी कि जब ग्राफ कैसे बनता है, चार्ट कैसे बनता है। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।